नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी के इस मॉडल पेपर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि खंड शिक्षा अधिकारी का यह जो पद है बहुत ही प्रतिष्ठित है और इसमें जो पूरी चयन प्रक्रिया है उसमें आपको मात्र दो चरणों से होकर गुजरना है। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी समूह ग का पद होता है, लेकिन क्योंकि यह एक राजपत्रित पद है और काफी प्रतिष्ठित है इसलिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे। तो मुख्य रूप से बात यह है कि अगर आप एक अनुशासनबद्ध तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। नियमित कक्षाएं आयोजित की जाएंगी इस चैनल पर। इसी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आपकी सफलता के लिए यह सबसे पहला प्रयास होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी यह काफी कठिन हो सकती है क्योंकि इसका जो लेबल होगा वो आरओ और एआरओ के लेबल का हो सकता है, नहीं बिल्कुल होगा, यूबीपीसीएस के लेबल का तो नहीं, लेकिन आरओ एआरओ के लेबल का यह प्रश्नपत्र आपके सामने रखा जाएगा। प्रश्नपत्र के बारे में बात कर लेते हैं तो कुल मिला के 300 अंक का यह प्रश्नपत्र होगा। एक ही पेपर आपको देना होगा प्री के लिए जिसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नकारात्मक अंकन भी होगा यानी कि 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे यानी कि 3 गलत जवाब आपके 1 सही जवाब का उत्तर शून्य कर देगा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 120 और इस प्रकार से ये परीक्षा आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये होगी बहुत ही प्रारंभिक बात, बहुत ही बेसिक बात, और अब देखते हैं उन प्रश्नों को जो कि एक आदर्श प्रश्न हो सकते हैं इस परीक्षा के लिए। तो यह है हमारा मॉडल प्रश्न संख्या 1 और इसमें हमने उन सारे प्रश्नों को शामिल किया है जो कि इसके सिलेबस में आते हैं। सिलेबस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह कि आप सिलेबस को जरूर देख लें, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं जहां पर सारी आवश्यक जानकारियां मैं लगातार शेयर कर रहा हूं। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी तैयारी के लिए मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आपको जो है अलग अलग टॉपिक पर भी काफ़ी मेहनत करनी होगी और इसके लिए सबसे अच्छी बुक्स होंगी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें आप अवश्य ही पढ़ डालिए जिसमें जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री और साइंस की किताबें मस्ट हैं। मैथ मैं आपका कवर करवा दूंगा, मैथ से ही शुरुआत करेंगे और एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो मैथ है वो मैं आपका कवर करवा दूंगा। बहुत जल्दी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, पेड क्लासेज में सारी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। क्लासेज जो होंगी वो यूट्यूब पर सबके लिए होंगी लेकिन हम स्टडी मटेरियल सिर्फ अपने पेड मेंबर्स को ही उपलब्ध करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। प्रश्नों की बहुत डीप व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि यह एक मॉडल पेपर है, इससे सिर्फ आपको यह पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसका सही जवाब है शंभूजी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेडिवल हिस्ट्री है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यादातर फोकस आपको किस पर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रश्नों पर आपको ज्यादा फोकस रखना होगा। हालांकि जो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है उससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। फिलहाल इसका सही जवाब निश्चित रूप से आपको पता होगा, यह गुजरात विजय थी। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मुगल सम्राट से संबंधित जो इतिहास है यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है उससे प्रश्न भी बनेंगे, मुगलों से संबंधित जो इतिहास है उससे भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि गोकुला, ठीक है। देखिये गोकुला जो था यह तिलपत गांव का सरदार था। 10 मई 1666 यह वो दिन था जब जाटों और औरंगजेब की सेना में तिलपत में लड़ाई हुई थी। लड़ाई में जाटों की विजय हुई थी। मुगल शासन ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया और किसानों पर कर बढ़ा दिया था। गोकुला ने किसानों को संगठित किया था
और कर जमा करने से मना कर दिया था। औरंगजेब ने गोकुला के खिलाफ बहुत शक्तिशाली सेना भेजी थी और 1 जनवरी 1670 को आगरा के किले पर जनता के सामने उसे टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया था ताकि जनता आतंकित हो जाए। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सही है। आगे बढ़ते हैं, सुमेल का युद्ध 1544 में किनके किसके बीच लड़ा गया था, यह प्रश्न आ रहा है सामने। और दोस्तों इसका जवाब काफी दिलचस्प है, यह लड़ाई हुई थी शेरशाह और मालदेव के बीच में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। मालदेव कौन थे? जोधपुर के एक वीर और प्रतापी राजा थे। जोधपुर के शासक गांगा के ये पुत्र थे और इसी युद्ध के दौरान शेरशाह ने कहा था, जो कि अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, शेरशाह ने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत ही खो दी होती। ये शेरशाह ने कहा था, वह युद्ध में हारने वाला था लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो गई थी और मालदेव जीतते जीतते हार गया था। किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है रामानंद, यानी कि विकल्प बी यहां पर सही होगा। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक बात और आपको आपको पता होना चाहिए कि शुक्र का जो घूर्णन है ये काफी अजीब है, क्योंकि ये बहुत ही धीमा घूमता है। वह एक घूर्णन करने में पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर समय लेता है, यानी कि उसका जो वार्षिक घूर्णन पथ है उसके दिन से कहीं अधिक है। यानी कि शुक्र पर जो एक दिन होता है वो उसके एक वर्ष से भी थोड़ा सा बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, खैर आगे की जब क्लासेस चलेंगी तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न है यहाँ पर, और सही जवाब है इसका अलमसूदी, अलमसूदी यानी कि विकल्प सी। अलमसूदी अरब का एक विद्वान था और भूगोल का जानकार था। 915 और 16 ईस्वी में वह भारत यात्रा करने वाला बगदाद का विदेशी यात्री था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की मुख्य वकील की तरह वह काम करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) किसके अंतर्गत, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? ये है के वेणुगोपालन। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्ति प्राप्त की थी और उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 से अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का है, ठीक है। और ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 1554 ईस्वी तक हुमायूं शासक बन गया था संपूर्ण डैश, सही जवाब है संपूर्ण अफगानिस्तान का। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुल्तान का पद प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया गया, अग्रलिखित तरीकों या साधनों में वह कौन सा था जिसका प्रयोग इस युग में इस कार्य के लिए नहीं किया गया? तो फिलहाल उलेमा के द्वारा सुल्तान का चुनाव भी होता था, सरदार द्वारा सुल्तान का चुनाव होता था, पैतृक आधार पर भी होता था, लेकिन सुल्तान अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करता था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? विकल्प आपके सामने है, गेस कीजिए, और इसका जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब आपको पता होगा और सही जवाब है सर सैयद अहमद खान, यानी कि ऑप्शन डी। सर सैयद अहमद खान, इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को और मृत्यु हुई थी 27 मार्च 1898 में, ठीक है। तो ये कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द अनक्वाइट रिवर, ये बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र किताब के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर, और दोस्तों इसका सही जवाब अगर आपने गेस नहीं किया तो मैं बता दूं, सही जवाब है इसका जी हाँ ऑप्शन सी, जिन लोगों ने गेस किया बिल्कुल सही जवाब है अरूप ज्योति सैकिया। अरूप ज्योति सैकिया की ये किताब असम घाटी और उसके निवासियों की आजीविका को आधार देती हुई
ब्रह्मपुत्र का वर्णन करती है। अगला सवाल है कि 31 अक्टूबर को यूनेस्को द्वारा विश्व शहरी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या रही, यानी कि करंट अफेयर्स भी आपको जो है अच्छे से याद करना है। और दोस्तों करंट अफेयर्स में प्रश्न कब के पूछे जाएंगे इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपीपीसीएस में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा गया 2017, ठीक है। तो आपको जो है जो मेन पॉइंट्स हैं वो चीज़ें जो है आपको बिल्कुल याद रखनी है, आपको बिल्कुल समझ में, मतलब कि एकदम आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। तो फिलहाल इसके लिए क्लासेस भी चलती रहेंगी, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो यह किताब असम घाटी और उसके निवासियों की आजीविका को आकार देती हुई ब्रह्मपुत्र का वर्णन करती है। आगे बढ़ते हैं, 31 अक्टूबर को यूनेस्को द्वारा विश्व शहरी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या रही। तो फिलहाल दोस्तों इसकी थीम रही ऑप्शन डी, यानी कि विश्व का बदलाव, भविष्य की पीढ़ियों के लिए नवाचार और बेहतर जीवन। तो दोस्तों ये थी इसकी थीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व में अब तक कुल 34 हॉट स्पॉट्स की पहचान की गई है, जिसमें अधिकांश डैश वनों में स्थित हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसका सही जवाब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्नों का सही जवाब तो आपको पता होना ही चाहिए। और सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल होगा भारत में स्थित हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट, श्रीलंका, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा, यानी कि ये सभी भारत में स्थित हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट, ये भी आप जानते होंगे, ऑप्शन सी। अगला है कि मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा होगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क सबसे कम सुप्रभाव होगा। आगे बढ़ते हैं, गोल क्रीमी यानी कि नेमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, गोल क्रीमी यानी कि नेमेटोड से जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फाइलेरिया, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, यानी कि फाइलेरिया। फाइलेरिया जो रोग होता है ये एक जीवाणु के द्वारा फैलता है और इसका नाम होता है बुचेरेरिया ब्रेन क्राफ्टी। और जो यहाँ पर कुष्ठ रोग होता है इसका जो कारण है वो भी एक बैक्टीरिया ही है, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि आनुवंशिक विभिन्नता के। और भारत में अब तक कुल 18 जैव मंडल रिजर्व घोषित किए गए हैं, ये बात भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है कि भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, और इसमें से सही जवाब क्या होगा, अणु बम के विकास से कौन संबंधित है, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, या फिर राजा रमन्ना, या फिर कस्तूरी रंगन। और सही जवाब यहां पर होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन बी। इनमें से कोलाइड कौन सा नहीं है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न। और सही जवाब है आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम कोलाइड नहीं बल्कि एक निस्यंद है, ठीक है। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध संस्थान है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब है फिलहाल ऑप्शन ए, यानी कि पुणे में। नेक्स्ट है कि घरेलू धूल में वह क्या है, सवाल ये है कि घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करती है। तो दोस्तों धूल के जो अकार्बनिक कण होते हैं यही इसका कारण है। पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका के आउटरीच का निरीक्षण करने के लिए आयोजित वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम क्या है, ये प्रश्न इस बार यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा भी गया था। और फिलहाल दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसको कहेंगे आप DCO, यानी कि डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के चेहरे का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही जवाब आपको सर्च करना है। और यह तकनीक है CFR, यानी कि
क्रानियोफेशियल रिकंस्ट्रक्शन तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा के वेटलैंड से प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया के दो उपभेदों की खोज की है। फिलहाल दोस्तों ये काफी पहले मैंने आप लोगों को बताया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि सियुनादर विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में मैक्सिकन जंगलों में खोजे गए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो अगर इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी याद रखना है, इनके उत्तरों को भी आपको याद रखना है। सही जवाब इसका इसका नाम क्या है, इसका सही नाम है फैजोलिसिन, फैजोलिसिन ऑप्शन डी। रेल मंत्रालय सभी मौजूदा लिंक हाफ मैन बुच, जिसको कहा जाएगा LHB कोच को HOD यानी कि हेड ऑफ जनरेशन तकनीक के साथ अपग्रेड कर रहा है, जिससे रेलगाड़ियां बच सकती हैं। ऑप्शन ए, अधिक लागत कुशल और कम प्रदूषणकारी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुकूल सरकार ने प्रांतों में फरवरी 1937 में चुनाव कराने की घोषणा की थी। फरवरी 1937 में संपन्न हुए चुनाव में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है और 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन वो दो प्रांतों में, 11 में से 7 प्रांतों में वो जो है कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल भी गठित हुए। बाद में कांग्रेस ने दो प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाई, केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सका। तो सही जवाब है 3 और 4। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 3 और 4, जो कि ऑप्शन बी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए 2011 की जो जनगणना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो उससे जुड़े जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। लगभग 100 से लेकर 125 ऐसे पॉइंट होंगे जो अगर आप रिमेंबर कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बस हमें सिलेक्टिव स्टडी करना है, एक्चुअली में हमें सिर्फ उन्हीं बातों पे फोकस देना है जो कि परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी गाथा हमें नहीं लेके चलनी है। फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 17.31%। अब देखो ऐसे सवाल भी होंगे जो कि आपके कॉमन सेंस को, रीजनिंग पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपकी तर्क क्षमता को जो है मापेंगे, उसको देखेंगे कि आप कैसे तर्क करते हो। फिलहाल सवाल यहाँ पर यह है कि शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब ये 4 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, उत्तर का मतलब ऊपर की ओर, वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब वो इधर मुड़ेगा और कितना चला, 6 किलोमीटर वो चलता है, और पुनः दाएं मुड़ता है। अब उसका दाया किधर होगा, ये उस बिल्कुल उत्तर की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट को अगर आप ऐसे मैच करा दोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको 2 समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं और ये जो बीच में पॉइंट है ये इसको 2 भागों में बांट देगा, यानी कि इधर 3 और इधर भी 3, ये जो 6 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3-3 किलोमीटर में बढ़ जाएगी। अब समकोण त्रिभुज का नियम लगा देंगे आप, हमें क्या ज्ञात करना है, पहला ये वाला विकर्ण, दूसरा ये वाला विकर्ण, इसको माप लेंगे तो हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो दूरी है वो पता चल जाएगी, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बिल्कुल समान है, दोनों ही त्रिभुज समरूप है। इसकी जो भुजा है एक 4 किलोमीटर दूसरी 3 किलोमीटर, सेम हियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाइथागोरस प्रमेय आप प्रयोग में लाओगे, यानी कि 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 धन 9 बराबर 25, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 हो गया, ये भी 5, दोनों को जोड़ लेंगे आप 5 और 5, यानी कि 10 किलोमीटर वो अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 10 किलोमीटर की होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो रीजनिंग पर आधारित जो सवाल नेक्स्ट है उसको भी देखते हैं। ABZY CDWX, उसके बाद EFVU, और इसी के रेशियो में आपको अगला पेयर इसमें से सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं कि ABZY कौन सा है, लास्ट, फिर वाई होता है, फिर जेड होता है, यानी कि अगर आप पूरा अल्फाबेट लिख लें ABCDEFGH Z तक और उसको ऊपर से लिखते चले जाएं 1 2 3 4 5 6 26 तक,
और फिर पीछे से वापस आए, 1 2 3 4 5 6, तो हमें संगत जो अक्षर हैं आगे और पीछे से उन्हीं को केवल उठाना है, ठीक है। जैसे कि ए बी, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, पीछे से लेना है जेड और वाई, ठीक है, जेड और वाई, आगे से पहले दूसरे अक्षर को, फिर पीछे से पहले दूसरे अक्षर को, इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सी डी, सी तीसरा अक्षर, डी चौथा अक्षर, इसी प्रकार से डब्लू तीसरा अक्षर होगा पीछे से और एक्स चौथा अक्षर होगा। फिर ई एफ, तो डेफिनेटली अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पर होगा जी एच। अब क्योंकि यहां पर जो जी है अगर उसको आप देखोगे तो उसके संगत जो आपको अक्षर मिलेगा वो मिलेगा टी और फिर यस, यस के संगत मिलेगा यस, तो यहां पर हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जी एच टी एस, जो कि ऑप्शन सी में है। एक सामान्य पासा दो बार उछालने पर प्रायिकता की दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग 6 हो तो ये कितनी होगी। देखो तो एक सामान्य पासा जब दो बार उछाला जाता है, एक पासे में 6 साइड्स होती हैं, तो हम देखेंगे कि मतलब कि ऐसी कितनी घटनाएं हो सकती हैं जबकि उनका योग 6 हो, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि अगर पासे में पहली बार 5 आया तो दूसरे में 1 आना चाहिए, तब जाके 6 होगा। अगर पहले पासे में आ रहा है 4 तो दूसरे में 2 आना चाहिए, पहले पासे में आया 3 तो दूसरे में भी 3 आना चाहिए, पहले पासे में आया 4 तो दूसरे में आएगा 2, पहले पासे में आया 5 दूसरे में आएगा 1, यही कंडीशन बनती है। अगर मान लीजिए 6 आता है, यहाँ पर अगर आप 6 को लेते हो तो यहाँ पर अगर कोई भी संख्या है, क्योंकि पासे में 0 तो नहीं होता है, तो फिर वो 7 हो जाएगा, यानी कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 5 ऐसी संभावित घटनाएं हैं जिसको हम ऊपर लिख लेंगे, और नीचे पहले पासे में आप देखते हैं 6 साइड होते हैं तो संभावित घटनाएं होंगी 6, दूसरे पासे में 6 साइड होती हैं संभावित घटनाएं होंगी 6, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये उत्तर आ जाएगा हमारा 5/36, जो कि ऑप्शन ए है। दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो इसको आप मौखिक हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 10 है, तो अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं तो अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी भी 5 हो जाएगी। अब उनके वर्गों का अंतर 40 है तो इसका जो वर्ग होगा वो 25 होगा, ये भी 25 होगा, अंतर करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5 वह संख्या नहीं हो सकती है। अब 7 को लेते हैं, तो पहली संख्या अगर 7 होती है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3, पहले का वर्ग होगा 49 तो दूसरे का वर्ग क्या हो जाएगा 9, इनका अंतर लोगे तो हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो 7 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये 7 होगी। अब देखो यहाँ पर रिलेशन निकालना है, रिलेशन के लिए आप खुद अपने परिवार में इसको अगर आप बैठाओगे तो बहुत सही तरीके से बैठ जाता है। ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, तो ए जी का क्या है, तो फिलहाल ए जो है वो जी का चाचा लगेगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको मैच करवा सकते हो, मैच कर सकते हो। निम्न में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, तो ये भूगोल के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। जो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाएं होती हैं, जो मिट्टियां होती हैं, मिट्टियों के जो प्रकार होते हैं उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, दोस्तों ये जिला है ऑप्शन डी, यानी कि झांसी जिले में। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, सही जवाब है ऑप्शन ए 1975। और ये है हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, और ये है मिर्जा गालिब, ऑप्शन डी। तो दोस्तों पूरी तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, और शीघ्र ही हमारी जो पेड क्लासेज होंगी वो स्टार्ट होंगी, उसके लिए मैं आपको अलग से सूचित करूंगा। बस आप लोग हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर विजिट करते रहें, और अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्योंकि ये थोड़ा सा जो वीडियो है शॉर्ट रखा गया ताकि आप जो कंटेंट आएगा एग्जामिनेशन हॉल में उसके प्रकार से, उसके टाइप से आप परिचित हो सकें। आगे की कक्षाएं काफ़ी विस्तृत होंगी जिसमें थ्योरेटिकल क्लास भी होंगी और एमसीक्यूज के क्लास भी चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।